अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लॉटर और उसके कुछ टाइप्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसका आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का टॉपिक बहुत आसान है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ के असल ज़िंदगी की बात करें, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक सिंपल सा काम होता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। और यही काम ये कंप्यूटर्स में कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स की हाई लेवल लैंग्वेज को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। क्योंकि हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0-1 की लैंग्वेज है, उसे नहीं समझ सकते। इसीलिए हमने क्या कर दिया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बना दिए, ताकि हम अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज में दें और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स उसे ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को वापस से मशीन लैंग्वेज में समझा दें। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यही काम है कि एक लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। तो अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू सॉफ्टवेयर और टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स जो कि क्या फैसिलिटेट करते हैं, कन्वर्जेशन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड और ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फ्रॉम वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज टू अनदर। जो हमारी पढ़ने वाली लैंग्वेज है, जैसे हम पाइथन या सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन लैंग्वेजेस को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इनको नहीं समझ सकता बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, उसे 0-1 के अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो इसीलिए हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर बीच में रखा हुआ है, ताकि वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा दे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यही काम है। कुछ टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। सबसे पहली टाइप्स है कंपाइलर। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप कंपाइलर की। कंपाइलर में हम कुछ ही लैंग्वेज लिख सकते हैं, जैसे कि सी या सी प्लस प्लस। ये इन्हीं लैंग्वेज को आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा हम दूसरी लैंग्वेज या कंपाइलर पे जो लैंग्वेज चल सकती है, सिर्फ उन्हीं लैंग्वेज को इस पर लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने कोई इंटरप्रेटर या असेंबलर पे चलने वाली लैंग्वेज को कंपाइलर पे लिख दिया, तो कंपाइलर उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं, पहले कंपाइलर करेगा क्या। जैसे हमने फॉर एग्जांपल सी या सी प्लस प्लस में अपना कोड लिखा कंपाइलर पे, तो कंपाइलर उस पूरे कोड को एक साथ बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा देगा। यही काम है इसका। अ कंपाइलर इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये कैसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जैट ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि पूरे इंटायर प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। एक एक करके ट्रांसलेट नहीं करता, आपने जितना कोड लिखा उसको एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। कौन कौन सी लैंग्वेजों को ट्रांसलेट कर सकता है, सी या सी प्लस प्लस या एक्सेट्रा और भी है, इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है, यानी मशीन लैंग्वेज में, और एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। दिस मशीन कोड कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब वो जो हमने जो भी मशीन कोड ने कंपाइलर ने जो भी मशीन कोड में कन्वर्ट किया है हमारे कोड को, तो वो आपका हार्डवेयर डायरेक्टली समझ सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। सिंपल टर्म्स में कंपाइलर ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो कि सी या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में एक साथ पूरे कोड को कन्वर्ट कर सकता है मशीन लैंग्वेज में। तो यही इसकी है कि टाइप, जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझ सकता है और हमारे इंस्ट्रक्शन को आराम से एग्जीक्यूट कराया जा सकता है कंपाइलर के थ्रू। अब हम इसकी सेकंड टाइप की बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी बिल्कुल कंपाइलर की तरह सेम काम है, सिर्फ इंटरप्रेटर में डिफरेंस यह है कि जावा, पाइथन, रूबी जैसी लैंग्वेजेस को बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और ये पूरे कोड को, जैसे आपने जावा, पाइथन या इसकी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर पे कोई कोड लिखा, तो उस पूरे कोड को एक साथ नहीं समझाएगा ये आपके हार्डवेयर को, ये बल्कि एक एक लाइन करके समझाता है। समझ रहे, जैसे एक हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर रहेगा कंपाइलर, जो पूरे कोड को एक साथ समझा रहा है, और दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर, जो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके समझा रहा है कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज में। यही है एन इंटरप्रेटर इज अनदर टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट एग्जीक्यूट्स करेक्ट कोड डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ जनरेट सेपरेट मशीन कोड फाइल। इसमें कोई सेपरेट मशीन फाइल भी नहीं बनाई जाती। इट रीड्स एंड एग्जीक्यूट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। ये एक एक लाइन को रीड करता रहता है और एग्जीक्यूट करता रहता है, यानी कि ट्रांसलेट करता रहता है एक एक लाइन को।
इनकाउंटर देम। इंटरप्रेटर आर ऑफ्टन यूज्ड इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन। इनका इंटरप्रेटर किन लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग करने में काम आता है, यानी किन लैंग्वेजेस के कोड हम इंटरप्रेटर पे लिख सकते हैं? पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी एंड ईटीसी। तो ये लैंग्वेज के कोड हम इंटरप्रेटर पे लिख सकते हैं, यानी हम सी या सी प्लस प्लस के कोड इस पे नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैगा, लेकिन ये जावा वगैरह सी प्लस प्लस को कन्वर्ट नहीं करता, ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को, ट्रांसलेट करता है ये मशीन लैंग्वेज में। क्या करता है असेंबलर? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यही बात इसमें लिखी हुई है, एन असेंबलर इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर डेट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड। जो कि क्या एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है, विच इज़ लो लेवल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी हमारे रीडेबल इतनी नहीं है, लेकिन तब भी ये कंप्यूटर भी डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता, हमें एक असेंबलर चाहिए होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कराने में मदद करे, इन टू मशीन कोड डेट एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। अब कोई भी चीज़ मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाए तो कंप्यूटर का हार्डवेयर सिस्टम उसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। इन तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यही काम है कि अपनी अपनी जो लैंग्वेजेस इनके अंदर हम लिख सकते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाएं। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा टॉपिक आपका, और इससे जो भी क्वेश्चन है आपके आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मेमोरी यूनिट का। यही हमारा सवाल है, हाउ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डेटा या प्रोग्राम्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, आपके क्या मेमोरी होती है उनकी? डेटा एंड प्रोग्राम्स आर रिप्रेजेंट इन अ कंप्यूटर यूजिंग बाइनरी कोड। कंप्यूटर में कैसे सब रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं? बाइनरी कोड में, जो के है 0 और 1। बाइनरी कोड इज़ अ वे ऑफ जस्ट 2 सिम्बल्स। बाइनरी कोड क्या हैगा? 2 सिम्बल्स हैं, या 0 है या 1 है, जहाँ पे 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू हैगा, या 0 का मतलब नो और 1 का मतलब यस है, तो या 0 का मतलब ऑफ या 1 का मतलब ऑन है। ये 3 मतलब हैं इनके। टू रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस एंड मोर। कोई भी चीज़ कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो रही है हमारे पास, भले वो कोई इमेज हो, कोई नंबर हो, कोई लिखी हुई चीज़ हो, तो बैकग्राउंड उस पर कैसे चल रही है बैकएंड पे? 0 और 1 में। सिर्फ कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आती है। दिस इज़ बेसिक लैंग्वेज दैट ट्रांसलेट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। यही एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, वो है 0 और 1। अब वो कुछ भी हमें दिख रही है अपनी डिजाइनिंग स्क्रीन, या कुछ भी हम टेक्स्ट वगैरह कंप्यूटर पे देख पा रहे हैं, वो पीछे 0 और 1 में ही लिखा हुआ है। अब 0 और 1 में कंप्यूटर की मेमोरी क्या क्या होती है यही हम जानते हैं, जिसे हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं हर चीज़ के। तो सबसे छोटा हमारे पास मेमोरी यूनिट हैगा बिट। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ बिट। जो सबसे छोटी मेमोरी है कंप्यूटर की वो है एक बिट। बिट में क्या होता है? बिट या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, यानी या तो एक बिट में एक 1 आ सकता है या एक 0 आ सकता है। इट्स लाइक टाइनी स्विच। आप इसे स्विच समझ सकते हैं, जैसे हमारे एक लाइट का स्विच है जहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो हम लाइट के स्विच को ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। यही काम यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ऑन 1 से रिप्रेजेंट होता है, अगर हमने स्विच ऑन करना है तो वो 1 हैगा, और अगर हमें स्विच ऑफ करना है तो वो 0 है। यानी बाइनरी सबसे छोटा डिजिट हमारा हैगा बिट, जिसमें सिर्फ एक 0 या फिर एक 1 हो सकता है। इसके बाद हमारा सेकंड जो यूनिट हैगा मेमोरी का वो है बाइट्स। बाइट्स में आपके 8 बिट्स हो सकती हैं, एक बाइट में हमारे पास 8 बिट्स हो सकती हैं। या हमने कोई भी चीज़ कंप्यूटर में लिखनी है, जैसे कि एक करेक्टर लिखना है या एक लेटर लिखना है, तो वो 1 बाइट का होगा। जैसे मैंने अगर ये हमारे पास सबसे पहले बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कंप्यूटर में अगर बी लिखना है, कंप्यूटर लैंग्वेज में मुझे बी लिखना है, तो ये क्या है? ये 8 बार 0 या 8 बार 1 का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको मिला के सिर्फ हम एक लेटर लिख सकते हैं बी। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज यही है 0 1 में, यानी मुझे एक बार बी लिखना है तो 8 बार 0 या 8 बार 1 का कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तो हमारा सिर्फ बी लिखा हुआ आएगा, जो कि एक लेटर है या एक करेक्टर आप लिख सकते हो इससे। यही पढ़ते हैं आप, ग्रुप ऑफ बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। 8 बिट का जो ग्रुप है वो 1 बाइट बनेगा, यानी 8 बार 0 या 8 बार 1 का कोई कॉम्बिनेशन। बाइट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। बहुत
मुश्किल इन्फॉर्मेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास या तो एक लेटर हो गया कोई भी या कोई नंबर बाइट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड जो है यूनिट मेमोरी का वो है किलोबाइट। एक किलोबाइट में या तो 1000 बाइट्स होते हैं कुछ लोग ये मानते हैं, या फिर 1024 किलोबाइट्स होते हैं जो कंप्यूटर कहता है। इट्स कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। 1 KB की तो हमने कंप्यूटर में डेटा कोई ना कोई देखा होगा, हमारा टेक्स्ट हो सकता है 1 KB का, या कोई छोटी मोटी इमेज हमारी 1 KB की हो सकती है कंप्यूटर मेमोरी में 1 KB की जगह घेर गई। सिंपल सी बात है, 1 KB में 1000 बाइट्स होते हैं, 1000 बाइट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं MB पे। MB में क्या है, मेगाबाइट। मेगाबाइट में आपके 1024 किलोबाइट्स होते हैंगे, 1024 आपके किलोबाइट्स हैं इसके अंदर। तो ये आगे जैसे हमारे पास KB में 1024 बाइट्स थे, इसी तरीके से MB में 1024 किलोबाइट्स हैं। 1 MB में कोई बड़ी सी फाइल हो सकती है 1 MB की, जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हमारा, या कोई इमेज हो सकती है, या इसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई छोटी सी ऑडियो की क्लिप हो सकती है जो कि 1 MB तक पहुंच जाए। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है गीगाबाइट, GB जिसे हम कहते हैं। GB हम आप सबने सुना होगा, हमारे मोबाइल का स्टोरेज ज़्यादातर GBs में ही होता है, तो ये बहुत सुनने को मिलता है। तो ये GB होता क्या है एक्चुअल में, गीगाबाइट। और एक गीगाबाइट में जैसे एक MB में 1024 किलोबाइट्स थे, इसी तरीके से एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स हैं। तो यही कुछ है, इट्स यूज टू मेजर इवन लार्जर फाइल्स। 1 GB के हमारे पास बड़ी लार्ज फाइल्स हो सकती हैं, कोई वीडियो हो सकती है, या कोई बहुत ही बड़ी रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसकी मेमोरी 1 GB की हो, या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है 1 GB का, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर 1 GB में हमारे हो सकता है। अब 1 TB हमारा एक और यूनिट है। इसके बाद भी हमारे पास मेमोरी यूनिट्स तो हैं, लेकिन आप सब आपके सिलेबस में इतने ही इंक्लूड हैं, तो हम इतने ही पढ़ेंगे। 1 TB कितना होता है, 1 TB, यानी कि इसी तरीके से जैसे हमारी सीक्वेंस चलती आ रही है, 1 TB में 1024 GB होते हैं। इट्स ऑफ्टन यूज फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ डेटा। बहुत बड़ी कोई बड़ा कोई डेटा इसके अंदर रखा जाता है। इवनली यूजुअली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, आमतौर पे हमारे पास 1 TB का स्टोरेज नहीं होता। ये कोई काम करना हो हमें, कोई अहम हमारा कोई बिजनेस रिकॉर्ड रखना हो, या कोई बड़ा लार्जर फाइल्स हमें सेव करनी हो, उसके लिए 1 TB की मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये यूजुअली नहीं पाया जाता आमतौर पर। तो लाइक इन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, या तो 1 TB के हार्ड ड्राइव्स मिलती हैं बहुत सारी, हमारा क्लाउड स्टोरेज हो सकता है 1 TB का। तो यूजुअली हम 1 TB में नहीं रखते चीज़ें, हमारा डेटा 1 TB से छोटा ही होता है, लेकिन कोई कंपनी है या कोई है चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका डेटा TBs में भी हो सकता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ नोट्स आपको पिछली वीडियोस के भी लिंक में मिल सकते हैं, इस वीडियो में भी मिलेंगे। इसी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ, जो आपकी राय है, कमेंट्स है, जो कहना चाहते हैं कहें। इसी तरीके से हम रोज़ के टॉपिक्स आपके डाल रहे हैं, डेली आपके टॉपिक्स हम डाल रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।